गाइस वेलकम टू अवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो बहुत टायर्ड हो गई थी कल, तो कल व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और अभी 9 बज रहा है और आज हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। तो ये दिन बहुत ख़राब लगता है, जिस दिन जाना होता है बहुत ही सैड सैड रहता है मन बिल्कुल। जिस दिन आते हैं उस दिन तो बहुत खुश होते हैं, उसके 2-4 दिन पहले से ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस दिन जाना होता है तो मन इतना ज़्यादा मन दुखी होने लगता है कि क्या बताएं कि फिर वापस जाना है और मम्मी को छोड़ के जाना है, तो मन नहीं लगता है बिल्कुल। एक 2 दिन तक के तो सेटल होने में बहुत ज़्यादा लगता है कि मम्मी के पास थे, मम्मी को छोड़ के आ गए यहाँ। मम्मी भी मेरी बहुत परेशान होती हैं, तो 3 दिन तक होती ही रहती हैं, चले गए, फ्रिशा उड़ गई है और बस शैतानियाँ उसने शुरू कर दिया है। और अभी मेरी पैकिंग नहीं हुई है, मुझे पैकिंग भी करनी है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और वो बुढ़ी अम्मा है, वो पैर के पास होती है, एक बुढ़ी अम्मल एक बैटी के नीचे छुप जाती है ताकि कोई नहीं देख पाए। ना मैं छोटी हूँ ना बुढ़ी अम्मा अपने घर ले जाती है हमको। स्टोरी चल रही है गाइस जी, और अपने मुंह पे ये डाल देती है, बैठ के स्टोरी सुना रही है अपनी अक्कू को, नानी माँ को। ये कहाँ से सुन के आती हो? कौन सुनाता है? मुंह से निकल, मर जाओगी। निकल पिंकी, वो मुंह में रखे ये पकड़ते, इसके हाथ में पहना दे पिंकी अंदर। गाइस ये लड़की बिल्कुल एडिक्ट हो गई है मोबाइल की। यहाँ पर जब से आई है तब से मोबाइल कार्टून एकदम एडिक्ट हो गई है। मॉर्निंग से लेकर अभी तक ये मोबाइल छोड़ने का नाम नहीं दे रही है। आज हम लोग वापस जा रहे हैं, घर जाकर इनका बैक टू रूटीन हो जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसका रूटीन स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे, ट्यूशन स्टार्ट नहीं होंगे, भी सब बंद है। तो थोड़ा 10 डेज इसको लिवरेज मिलेगा और उसके बाद इसका बैक टू रूटीन हो जाएगा। तो मोबाइल ऑटोमेटिक इसका मुझे कम करना पड़ेगा और पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये पढ़ाई से बिल्कुल लीव पे जा चुकी है, बिल्कुल सब कुछ भूल गई है। पता नहीं इसको किधर याद होगा, कितनी चीज़ें भूली होगी नहीं पता। यहाँ पर बिल्कुल इसने पढ़ाई नहीं करी है, मैं लेकर आई थी इसकी बुक्स वगैरह लेकिन इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखते हैं घर जाकर क्या है, इनका कितनी चीज़ भूलेंगी, कितनी चीज़ पूछेंगी। तो अभी देखते हैं कि ये कितनी चीज़ें भूली हैं, कितनी चीज़ें याद हैं। यशु इधर देखो, इधर देखो। डी फॉर क्या होता है बेटा? डी फॉर डॉग। डॉग की स्पेलिंग बताओ। नहीं बताओ। डी फॉर, डी फॉर डॉग की स्पेलिंग बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ देखा आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ाई में इस वक्त बिल्कुल मन हट गया है और सिर्फ कार्टून। कुछ पूछूंगी तो हंसेगी, हंस के नहीं बताएगी। तो अभी 3:30 बज रहा है, लंच वगैरह हो गया हम लोगों का और 6 बजे की ट्रेन है और हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5:30 बजे निकलेंगे, इवन 5:30 बजे से पहले ही निकल लेंगे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने का होता है इसलिए। तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जिस दिन मैं जाती हूँ तो उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उस दिन तक मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो धीरे धीरे दूसरे से आदत पड़ जाती है पहले कैसे। तो चलिए मुझे थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, हाय गाइस, माय टेल है मेरी मम बोलते हम लोग बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन पे कहाँ जा रहे हैं? फ्रिशा हाउस जा रहे हैं हम लोग, ट्रेन में बैठ गए हैं
और ऋषा की नानी माँ और मामा ड्रॉप करने आए थे, कहीं पर बैठा के उनको चले गए ना। हाँ। नानी माँ बहुत रो रही थी ऋषा की। हाँ। ना गाइस, अब हम ट्रेन में आ गए हैं, अभी ट्रेन चली नहीं है, 5-10 मिनट में ट्रेन चली है। ट्रेन में कि जाते ही ट्रेन में सो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए मेरा ट्रैवल। देखो कितने देर तक सोती है। गाइस पेशा सो के उड़ गई है और उसकी नींद पूरी हो गई है। बोलो बता दो बता दो बता दो कि मैं उड़ गई हूँ सो के। गुड मॉर्निंग कर दो। अच्छा ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि इसको ट्रेन में ट्रैवल करना इतनी देर तक बैठना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए, तो काफ़ी ट्रेन लेट चल रही है। तो अभी हम लोगों को बहुत टाइम मिलने वाला है, 11 बज जाएगी हम लोगों को। ये गाइस सबसे नॉटी बच्चा है, ये सबसे नॉटी बच्चा है, मम्मा की कोई बात नहीं मानता है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। घर में रहता है तो कुछ इसको भूख नहीं लगती है और ट्रेन में तो इसको बहुत भूख लग रही है। बिस्किट खाना है, डिमांड पे डिमांड नहीं 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 डिमांड, आइसक्रीम खाना है, बिस्किट खाना है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, सब इनको ट्रेन में याद आता है ना। सारा मेन्यू बता रही है। सब खाना। अभी आने वाला है स्टेशन तो वहाँ पर दिला देंगे, ठीक है। हाँ शो मी योर वॉच। क्यों आप गंदे? अच्छा प्रिशु विच कलर इज दिस? जब इसका मन नहीं होता तो ऐसे ही बोलती गंदी लड़की। फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, बहुत ट्रेन आई थी और बहुत लेट पहुंचे हैं और हम आकर सुन पाए। सब्सक्राइब माय चैनल।